उत्तर प्रदेश में इटावा जनपद के ऐतिहासिक गांव आसई जहां कार्तिक पूर्णिमा के दिन होती है लाखों की संख्या में भीड़ पर्व के रूप में श्रद्धालु करते हैं स्नान, जो आस्था के रूप में भी जाना जाता है। राजा जयचंद्र का ऐतिहासिक किला जो मोहम्मद गोरी ने किया था आक्रमण जो पूरी तरह ध्वस्त कर दिया था, आज भी यहाँ किले के अवशेष देखे जा सकते हैं। आसई गाँव में जैन धर्म के महावीर स्वामी ने भी कई वर्षों तपस्या की थी। जैन धर्म के लोग आज भी पूजा के लिए आते हैं। इटावा जनपद के यमुना नदी के किनारे वियाबान जंगल में आज भी महाभारत के समय के अश्वत्थामा की तपोभूमि मौजूद है। जो मन और भाव से दर्शन करना चाहे तो आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। इटावा से रामकुमार राजपूत की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? अंकुर दीक्षित। अच्छा अंकुर जी, ये आज जो यहाँ पे आप यमुना नदी पर जा रहे हैं स्नान करने जा रहे हैं, तो किस तरीके की यहाँ परंपराएं में ऐतिहासिक जगह है ये? देखिए, ये बहुत ही पौराणिक एक गाँव है जहाँ पर बहुत सारी मूर्तियों का अवतरण हुआ, बहुत सारे कल्चर्स यहाँ पे आके मिलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात है कि कत्की एक बहुत ही अच्छा त्यौहार यहाँ पे माना जाता है। यहाँ मेला आपने देखा होगा, मेला लगता है, आप नदी में स्नान देखे होंगे, लोग बाग कर रहे होंगे। ठीक है, तो सबसे बड़ी चीज़ है कि लोगों का आना यहाँ पर और उस त्यौहार को मनाना, ये सारी चीज़ें ही सबसे ज़्यादा लोगों को आकर्षित करती हैं हमारे गाँव की ओर। आसई अपने आप में एक बहुत ही प्रसिद्ध गांव है। ठीक है, इतिहास में भी बहुत सारी चीज़ें आपको यहां से मिलेंगी। इटावा जिले की आसई। हाँ, तो जैसे देखा जा रहा है कि जनपद इटावा में जो या जो स्थान है, एक ऐतिहासिक स्थान माना जाता है जहां राजा जयचंद का किला है, तो क्या कहेंगे इसके बारे में? इसके बारे में यही है कि जैसे आपने जयचंद राजा जयचंद जी की बात की, तो उसी से ही पता चलता है कि इतिहास अपने आप में गवा रहा है इस भूमि का। ठीक है, तो अगर हम राजा जी की बात करें या यहाँ के लोगों की बात करें, तो वही है कि जो शुरुआत की गई थी उस समय से वो आज तक चली हुई आ रही है। लोग वैसे ही त्यौहार मनाते आ रहे हैं और आगे भी ऐसे ही मनाते ही रहेंगे। तो लगभग कितनी साल से आप यहाँ इधर आते हैं? हमारा तो खैर यहाँ जन्म ही हुआ है, तो जन्म स्थान ही है, तो 20-25 साल से हम लोग तो लगातार ही आ रहे हैं सारे लोग। आखिर क्या जमीनी हकीकत क्या है यहाँ की, ऐसा कोई जानकारी है आपके पास? जमीनी हकीकत तो यही है बेसिकली, आप अगर देखेंगे तो सबसे बड़ी चीज़ यही है कि इतिहास दिखता है। यहाँ पहले ऐसी मूर्तियों की पूजा की जाती थी जो खंडित होती थी, तो ऐसे कई गांव आपको नहीं मिलेंगे जहाँ पर खंडित मूर्तियों की पूजा की जाए। ठीक है, तो वही सारी चीज़ें हैं, जमीनी हकीकत यही है, बहुत सारी इतिहास की ही चीज़ें आपको यहाँ मिलेंगी और बस ऐसे ही लोग त्यौहार मनाते रहे, यही सारी चीज़ें। गांव कौन सा है? मैं रहने वाला हूँ, मेरा गांव है ददोरा जी। ये ददोरा साधारण ददोरा नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश में, जब हमारा उत्तरांचल अलग नहीं हुआ था तो उत्तर प्रदेश में 8,792 के नए पंचायत, जिसमें बिगेस्ट नए पंचायत ददोरा थी, जिसमें 12 गांव समाये। तो आज जो हाँ जो आसई जो गांव पड़ता है, एक ऐतिहासिक जो जगह मानी जाती है, तो क्या क्या विशेषता है यहाँ? हाँ, ये आपका बहुत ही अति उत्तम प्रश्न है। मैं इसके संबंध में बताना चाहता हूँ कि पहले हमारे यहाँ जब रजवाड़े थे, जिस समय मोहम्मद गोरी का आक्रमण नहीं हुआ, वहाँ पर से पहले यहाँ एक राजा जयचंद जी रहते जो महाप्रतापी थे, जिनका यहाँ से लेके कन्नौज तक राज था। लेकिन मोहम्मद गोरी के आक्रमण में राजा जयचंद जी हार गए और यहाँ से वो पलायन कर गए। दूसरा, यहाँ पर वो क्या नाम आपका पांडव युग काल की एक ऋषि थे अश्वत्थामा जी महाराज, उनकी यहाँ तपोभूमि है और आज भी लोगों को वो दर्शन देते हैं। जिनकी किस्मत खुद किस्मत हैं उनको आज भी उनके दर्शन हो जाते हैं। तीसरी बात, यहाँ पर हमारे 22वें जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर महावीर स्वामी 13 साल 22 दिन वहाँ इन्होंने यहाँ तप किया, लिहाजा कलकत्ता इलाहाबाद वगैरह तमाम जगह के जैन धर्म के लोग आकर के यहाँ अपने बच्चों का मुंडन संस्कार और दान वगैरह करते। अच्छा, और दूसरा सबसे यहाँ का इतिहास जो है वो सामरिक ऐसा है कि हिंदू और मुसलमान का कोई भी यहाँ भेद नहीं है, सब एक रस में पुरोए हुए हैं। अभी आपका जो परसों ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो हम लोगों ने उल्लास का मनाया, हमारे मुसलमान साथियों ने ज़्यादा मनाया। यानी सबसे बड़ी विशेषता है यहाँ के सौहार्द की, प्रेम की
और आपसी मिलजुल के। यहाँ गंगा जमुनी तहजीब अगर देखना है तो आसई में देखें। यहाँ का रहने वाला मुसलमान आपको जय श्री राम करेगा और आप जाकर वो यही नहीं मालूम होता है कि यहाँ मुमनन है। और इससे ज़्यादा क्या आसई की महत्ता आपको बताई जाए। क्या जो राजा जयचंद थे यहाँ लगभग कितने वर्षों तक उन्होंने यहाँ वो किया? देखिए ये राजा जयचंद जो थे ये 1234 के लगभग यहाँ थे और यहाँ पर उनकी 3 पीढ़ियों ने राज्य किया। इनकी एक बहन थी जिनका नाम था क्या नाम अच्छा संयोग था पृथ्वीराज ले गया। दूसरी एक बहन थी जो कि विधवा थी वो देवकली था। देवकली ने लाखन सिंह का यहीं के जन्म था जो कि आपके आला वगैरह में बखान किए जाते हैं। तो देवकली जी ने लाखन सिंह के जन्म के संबंध में औरैया से दक्षिण के तरफ खानपुर के आगे एक देवकली मंदिर बनवाया जिसमें भगवान शंकर के पिंड की लिंक की स्थापना की गई थी। और लिंक की विशेषता यह है कि आज भी कोई भी साइंटिस्ट उसकी मोटाई नहीं नाप सकता है। ये हमारा देखा हुआ है। चाहे साइंटिस्ट आए उन्होंने आकर के वहाँ पुजारी थे उन्हें महाराज यहाँ इसकी मोटाई में नापना चाहता हूँ अरे कि नाप लो भाई तो जाकर के नापी तो पहले की निकली 36 इंच मोटाई। दूसरे नापा तो 44 इंच हो गई। तीसरे नापा तो 28 इंच रह गई। चौथे वाले से कहा तुम भी नाप लो। उन्होंने कि भैया जब तुमसे नहीं नाप सके मैं क्या नापूँ। दादा एक मुख्य बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि जनपद टावा में जो एक आसई जो गांव है आपका जी ठीक है तो ऐसा लोगों का कहना है कि यहाँ से कोई राजा जयचंद के जमाने में कोई सुरंग गई थी यहाँ से जिससे लोग आक्रमण करते थे राजा। हाँ, लोग यहाँ से सुरंग गई थी ठीक कन्नौज तक और जिसमें बीच बीच में सुरंग के स्टॉप्स थे। एक था एक दिल में एक था मनियाबाऊ में वो क्या नाम इंगुर्री में जी और वहाँ से डायरेक्ट जाती थी कन्नौज जी। वो इसलिए थी कि जैसे मान लीजिए कहीं तो बाहर से आक्रमणकारी आता है तो हम भाई बहुत गुप्त जगह से होकर निकल जाएं और दूसरे हमारे गुप्त सैनिक भी वहाँ पर तैनात बने रहे। तो दादाजी जैसे देखा जा रहा है कि उस जमाने में कोई यातायात का साधन नहीं था तो किस तरीके से यहाँ से लोग अपने व्यापार करते थे? हाँ ये आपका प्रश्न जो है बहुत ही अच्छा है क्योंकि आज के छात्रों के भी काम आएगा। आज भी अगर आप देखना चाहें नाउएडेज यू कैन सी पचनदा पर जहाँ की हमारा पर्यटन स्थल बनने जा रहा है जी माननीय योगी जी भी उसको ध्यान दे रहे हैं। इसके पीछे की जो चंबल के किनारे यमुना के किनारे वाले लोग जो अपने खेती का प्रोडक्शन थे वो औरैया में ले जाते हैं। वो क्यों ले जाते हैं कि बहाव नदी का पूरब की ओर और वहाँ से पूरब की ओर औरैया बढ़ता है। तो एक एक नाव में 200-200 बोरे यानी 500-500 मन वजन लाद करके औरैया तक पहुँचा देते। यहाँ से भी कोई वैसे यातायात का साधन था नहीं कि लिहाजा यातायात के लिहाज से उसको ध्यान में रखते हुए हमारे राजा लोग जितने थे वो सब नदी के किनारे अपने आश्रम बना देते जिनको हम किला कहते। तो दादाजी देखा जा रहा है कि आपका जो राजा जयचंद का जो किला था कब कौन सी वर्ष में यहाँ ध्वस्त किया गया है जी? राजा जयचंद का जो किला था लगभग कब यहाँ पे ध्वस्त किया है कब मतलब उसका समापन हो गया? ये समापन जिस समय मोहम्मद गोरी आया है जी तो यहाँ पर आपको एक बात और बता दूँ कि यहाँ पर आपके बौद्ध धर्म का भी बहुत बड़ा स्थान था। आज भी बौद्ध धर्म की हजारों खंडित मूर्तियाँ आपको मिलेंगी क्योंकि मोहम्मद गोरी बहुत ज़्यादा हिंदू।